हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है, आज का जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं कि किस पे है। सबको पता है कि एग्जाम 21 फरवरी को होना था, पोस्टपोन होके 22 अप्रैल पे हो गया है। तो बीच में जो 50 दिन का गैप हमें मिला था अप्रोक्सीमेट, काफी मुश्किल था ये कंटिन्यू करना। लेकिन अब आज, जैसे आप सबको पता है, अब फिर हमारे पास सिर्फ एक महीना बच गया है। काफी सब केयरलेस हो गए थे, मैं भी आप भी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि हम कंटिन्यू रखें सारा जो चल रहा है हमारा। अब लोग जो कह रहे हैं कि आगे एग्जाम होगा या फिर पोस्टपोन होगा, उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एग्जाम अब पोस्टपोन नहीं होगा। तो ये सारा अपने दिमाग से चीजें निकाल दें, एग्जाम 22 अप्रैल को ही होगा। क्यों होगा उसके मैं रीजन आपको कुछ बता देता हूं। पहली बात, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हुए। हमारे एग्जाम की डेट है 22, 23, 24, 25 और 23 को इलेक्शन क्लैश कर रहे हैं। आईबीपीएस से हो सकता है कि रिक्वेस्ट करके अगर ये 23 की जगह एग्जाम हमारा 26 को हो जाए, तो अभी तक काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये होगा। कन्फर्म अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी कन्फर्म नहीं है और ये इसके होने के चांसेस बहुत कम है, पोस्टपोन अब नहीं होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। अब हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा है, हम काफी देर से चलाते आ रहे हैं। और अब मेरे को जो दिख रहा है सामने वो ये है कि अगर आप लोग कंटिन्यू रखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। किस तरह से कंटिन्यू रखना है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले सबसे पूछा रिव्यू ले कि किसको किस किस चीज में वीक एरियाज उनको लग रहे हैं। मॉक टेस्ट दिए हमने, स्कोर्स देखे सबके, ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सबके डाउट्स देखे हैं, तभी मैं कल कोई लेक्चर नहीं बनाया, इसलिए आ जाऊं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो मुझे यहां तक दिखे, एक लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश सेक्शन में, एक लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पजल्स में, और कईयों को प्रॉब्लम आ रही है डीआई में। और मैं आपको बता दूं ये जो चीजें हैं इनकी वेटेज काफी ज्यादा है अगर आप एग्जाम में देखें। अब मैंने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि हम किस तरह से करेंगे आगे क्या, ये कि हम सारा पहले ही प्री प्लान कर लें किस तरह से हमें करना है, कौन सी चीज किस दिन आएगी। आप लोग भी उस तरीके से करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल सारा बताता हूं कि हम आगे के 30 दिन में किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि अब 30 दिन रह गए हैं, लास्ट के 30 डेज बिल्कुल सीरियस होके हम काम करेंगे। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम भी 400-500 लोग तो ऐसे हैं जो डेली रूटीन में एक एक चीज फॉलो कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। अगर आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये ट्रस्ट का रिजल्ट एंड में मिलेगा। अब बात करते हैं आगे, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक पे हमने रिवाइज भी करे हैं, ऑलमोस्ट नए भी हैं पुराने भी हैं सब ये हैं। मैं बता देता हूं एक बार कि अभी तक हम कर क्या क्या चुके हैं। हम इनइक्वालिटी कर चुके हैं, इस पे 2 से 3 वीडियोज हैं, 5 मार्क्स का आएगा प्री में। ब्लड रिलेशन कर चुके हैं, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर बेस्ड, इन पे 2-2 पजल्स हैं। काफी टॉपिक ऐसे हैं पजल के जो हम नहीं कवर कर पाए, वो अब हम किस तरह से आगे टैकल करेंगे, किस तरह से कवर करेंगे। जिन लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि पहले रीजनिंग में 5-10 से ज्यादा नहीं आते थे, वो भी अब 15-20 तक लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको हम 15-20 को 25 तक कैसे लेके जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। इनपुट आउटपुट, 6 नंबर बेस्ड, साइलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन के ऊपर भी हमने एक पजल करी थी। बात करते हैं हम आगे क्वांट सेक्शन की। हम नंबर सीरीज कर चुके हैं मिसिंग और रॉन्ग नंबर की, ये 5 मार्क्स के आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन पर भी 2-2 वीडियोज हैं, ये भी 5 से 10 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, डीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज रेशियो और कैसलेट डीआई, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं अभी तक अपने। अब बात करते हैं हम आगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम इंग्लिश में कर चुके हैं, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर डिटेक्शन, रॉन्गली स्पेल्ड और पैराजम्बल। अप्रोक्सीमेट इंग्लिश में जितना आता है हम उतना हमने एक एक वीडियो में देख लिया है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है लोगों को उस पर भी बात करेंगे किस तरह से करना है। और बात करते हैं जो हमारा फेज 2 हमने स्टार्ट किया था अपना मॉक टेस्ट, वो हम 2 टेस्ट दे चुके हैं। जिन लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में पता नहीं है या जिन लोगों को समझ नहीं आया उसके लिए मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहले मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप ये करें, साथ मिलके करें, अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
हो सके तो अवॉइड करके ये चैनल बंद कर दे, नहीं देखें, क्योंकि एक एक को जो लोग कमेंट नेगेटिव करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप लोग ना देखें, जो आपको बेस्ट दिखता है वहां चले जाएं, और जो लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो मॉक टेस्ट वाला कंटिन्यू करें, एक साथ करें, ज्यादा लोगों की मेरे को जरूरत नहीं है, वैसे भी उतने लोग चाहिए जो सीरियस होकर करेंगे और एंड में सिलेक्शन ले लेंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट बता देगा। सेफ स्कोर जो हमने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैंने बताया था कि आपके 30 से 35 तक आए हैं तो आपका स्कोर सेफ है। दूसरे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका स्कोर 35 से 45 तक है, 40-45 तक, तो आपका स्कोर काफी अच्छा है। जो लोग नए हैं या जो लोग कर रहे हैं उनको बता दूंगी मॉक टेस्ट के लिए जो हम साइट दे रहे हैं वो हमने ये क्या किया था, सारे मॉक टेस्ट दिए थे, फ्रेंड में डिसाइड किया था कि कौन सी साइट बेस्ट है, वो ऑली बोर्ड की थी, तो ऑली बोर्ड की जेके बैंक की मॉक टेस्ट की हमने सीरीज हमने ले ली हुई है। इस टाइम पे करंटली अगर मैं स्टेटस बताऊं तो 400 से 500 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो परसेंटाइल देखने के लिए काफी सही है कि कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जो लोग अभी नए हैं या जो लोगों ने नहीं ली उनको मैं बता दूं कि एग्जैक्ट पे करने से बेटर है, अब वहां पे कूपन कोड यूज कर लो SSS, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। किस तरह से ये आया, क्या किया है, किस तरह से मॉक दिया, वो पुरानी वीडियोस में देख लें। अब जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि जो मॉक टेस्ट थर्ड है हमारा वो हम सैटरडे को देंगे, सैटरडे से संडे तक चलेगा। अगर मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये जो 10 हमने रखे हैं किस किस दिन देने हैं, किस तरह से देने हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट देखनी है, वो सब ये तो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे उसके लिए, कि आप थोड़ा एडजस्ट कर लें कि आपने आपको देख के कि मॉक टेस्ट देने किस तरह से है। रही बात उनकी कि अब आगे इसको किस तरह कंटिन्यू करना है वो मैं आपको बताता हूं यहां पे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सिर्फ 4 हफ्तों का टारगेट लेके चलेंगे अपना, किस तरह से हमने करना है एग्जाम में, किस तरह से करना है इम्प्रूव, किस तरह से करना है वीक एरियाज को, और सिलेक्शन किस तरह से लेनी है उस तरह से। सबसे पहले जो हमारे वीक एरियाज आ रहे हैं मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहां लिख देता हूं, इंग्लिश, पजल, DI, यही हमारे 3 बेसिक वो थे जिन पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और ये काफी स्कोरिंग है। अगर इन्हें जो मैं ये 4 हफ्ते चलाऊंगा अपने आप आपका स्कोर +10 हो जाएगा जितना भी अभी जा रहा है उसके कंपैरिजन में। और रही बात उनकी, जो मॉक टेस्ट कंटिन्यू करेंगे उनका ये +20 होगा ही होगा। अब फाइनल जब रिजल्ट आएगा, अगर इनके जगह ने स्कोर कार्ड दिए तो आप खुद देख लेना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अपने जज खुद ही हैं, देख लेना किस तरह से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अभी तक हम इंग्लिश में जो जो कर चुके हैं लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इंग्लिश के मैंने सोचा था ग्रामर के रूल्स करवाऊंगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि सारे रूल्स ना करवा के मैं अगर इम्पोर्टेंट रूल्स करवा दूं इंग्लिश के, एक वीडियो में मैं कंसेप्ट आपको बता दूं या वो बता दूं कि रूल्स किस तरह से है, और दूसरे में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन समझा दूं, तो उससे हो सकता है कि आपका एरर डिटेक्शन वाला या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। बाकी मेहनत आपको खुद करनी होगी, इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं कि मैं इस पर एक एक वीडियो बना दूंगा। ये मैं अपना फेज 1 में बता रहा हूं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे टेंसेज हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, ये सब वाले टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूंगा। कि अब हमारा पहले हफ्ते में टारगेट होगा कि हम इंग्लिश के थोड़े से रूल्स कर लें, मैंने ये 1 अप्रैल तक रखा है। बात करते हैं इसके साथ और क्या करने की सोची है मैंने, इसके साथ मैंने सोचा है कि आपको पजल से थोड़ा सा और बताऊं। देखो मैं कभी इजी पजल अगर पोस्ट करता हूं तो लोगों के कमेंट आते हैं कि काफी इजी है, अगर मैं थोड़ी सी टफ करता हूं तो वहां पर कमेंट आते हैं कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ये सब चीजें ये हैं तभी मैं अपलोड कर रहा हूं, कि मेरे को ये नहीं बताने का आपको मकसद कि क्या है क्या नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि इसे अटेम्प्ट किस तरह से करना है, किस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल केसेस बना के इसे सॉल्व करना है। पजल्स करवाऊंगा और डेटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन पहले हफ्ते मेरा टारगेट रहेगा कि ये जो आपको मैं करवाऊं वो बेसिक लेवल की हो, यानी कि बैंकिंग एसोसिएट लेवल तक की हो, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही 3 वेरिएबल या 4 पैरामीटर वाली अगर पजल ले आया तो आप लोग सोचेंगे यार ये तो हमसे होगी ही नहीं। मॉक टेस्ट के हम मार्क्स देते थे, देखते थे अपने, तब भी हमें यहां पे दिमाग में रहता था यार नहीं मार्क्स ही नहीं आ रहे। मैंने तब भी आपको कहा था कि मार्क्स देखने ही नहीं है हमें मॉक टेस्ट में, कि कितने आने कितने नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और रही बात इस सबके साथ जो हमारा वीक वन का प्लान है, इसमें हमें जो दो मॉक देने हैं वो हमें अप्रैल 1st से पहले पहले देने हैं। ये रही हमारी ये बात। और सेकंड वीक में नेक्स्ट दो मॉक, उसके नेक्स्ट में अलग अलग अगले दो, और उसके बाद फोर्थ वीक में वीक सेकंड, वीक थर्ड, वीक फोर्थ और फिर एग्जाम। ये तो रहा हमारा सिंपल एक रफ प्लान कि किस तरह से हम इसे करेंगे। दो मॉक टेस्ट हमने इसमें देने हैं। कौन से देने हैं वो मैं बता दूंगा। सैटरडे वाला जो हम देंगे वो पिछले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा टफ होगा, वो जेके बैंक पीओ का होगा। नाम मत देखो आप सिर्फ मॉक टेस्ट देखो और आपको वो देना है। इसमें आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आप एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखें। इसीलिए इन्होंने ऑल्टरनेटिव सेट किए हुए हैं कि एक पीओ का होगा, एक बैंकिंग एसोसिएट का। पीओ में आपको अपने कंसेप्ट देखने को मिलेंगे और बैंकिंग एसोसिएट में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये तो रही बात फर्स्ट वीक की। बात करते हैं सेकंड वीक की। जितने भी टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए इंग्लिश के रूल्स के, उसके बाद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक भी हम इंग्लिश के थोड़े से रूल्स कर लें, क्योंकि ये इतनी जल्दी होंगे नहीं कवर, काफी टाइम भी लगेगा, तो मगर मैं कोशिश करूंगा कि करवा लूं। इसके बाद पजल और डीआई ये हमारा चलेगा, लेकिन इस बार इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा जो पीओ के प्रीलिम्स में होगा उस लेवल का। पजल और डीआई पे फोकस रखूंगा मैं, और साथ में एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी हैं और हमारे रह गए हैं, जैसे एजेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो, और एक दो और हैं, उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि साथ में करवा दूं कवर। मैक्सिमम हमने कर लिया हुआ है कवर जितना भी है। ये रही बात, और उसके साथ दो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अब सीरीज में नहीं चलेंगे, कौन सा मॉक टेस्ट कब देना है वो मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं वीक थर्ड की इंग्लिश रूल्स के बाद, यहां पे फिर हम करेंगे प्रैक्टिस और हम देखेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। ये जब हम कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को खुद पता चलेगा, अगर आज आपके मार्क्स 5 से 7 आ रहे हैं तो मिनिमम तो +5 मार्क्स का आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये इतना काफी है इंग्लिश सेक्शन में। अगर आप लोग बैंकिंग एसोसिएट के लिए कर रहे हैं और अगर आप पीओ के लिए कर रहे हैं तब भी 10-12 मार्क्स काफी है इंग्लिश सेक्शन में अगर आप लेके आ रहे हैं तो। इसके बाद डिफिकल्ट लेवल की मैं करवाऊंगा पीओ मेंस के लिए। ये जो हमारा कोर्स है ये सिर्फ 22-25 तक नहीं रहेगा। जो लोग मेंस देंगे जेके बैंक पीओ का, उनके लिए भी ये चलेगा। मैं उस टाइम पर बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस किस तरह से करनी है, स्टैटिक जीके किस तरह से करनी है, उस सब पे भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे भी हम दो मॉक देंगे, और एनालिसिस मॉक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे अपना जो चल रहा है। ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप मैंने बना दी है लेकिन अभी तक मैंने लिंक शेयर किसी के साथ भी नहीं किया हुआ, तो मैसेजेस आते हैं जो कि सर लिंक ग्रुप का क्या बना, ग्रुप का मैसेज चले जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा। अभी मैं बस कोशिश कर रहा था पहले कि ये किस तरह से कवर होगा हमारा सारा जो लास्ट का एक महीना है। जितने लोग सोच रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा, उनके लिए ऑल द बेस्ट, वेट करते रहे। जो लोगों को स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को बता रहा हूं यही टाइम है जब सब सो रहे हैं, कर लो मेहनत, एक बार कर लो जिंदगी भर आराम से रहोगे। रही बात वीक फोर्थ में, तो हम मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो तो हमारा देते रहेंगे। यहां आते आते आपको खुद पता चल जाएगा कि आप मॉक टेस्ट में 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कर चुके होंगे। और एक और चीज बता दूं, जितने मार्क आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे +20 आपके एक्चुअल एग्जाम में होंगे। तो इसको इतना दिमाग पे मत ले कि यार ये हो नहीं रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, कट इतना जाएगा, कट उतना जाएगा, कट जितना मर्जी जाए आपके मार्क्स उससे ज्यादा होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो इतना फालतू में सोचने की जरूरत नहीं है। वीक फोर्थ में मैं आपको 3 चीजें और करवाऊंगा जो मैं आपको वीक फोर्थ में ही बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। अभी के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, क्योंकि पहले क्या था जब 50 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया, 50 दिन हमें मिल गए, तो हमारे दिमाग में काफी सारी चीजें ऐसी थी, मेरे दिमाग में भी थी कि यार अभी तो एक पूरे फ्लो से 40 दिन का चल रहा था, अब फिर ये रह गया, दोबारा कंटिन्यू किस तरह से करें। तो मैंने फेस टू लाया कि मॉक टेस्ट देंगे हम सब लोग, तो एक कंटिन्यू रहेगा, टच में रहेंगे सब, क्योंकि 50 दिन सुनने में काफी होते हैं और एक्चुअल में काफी ज्यादा है। तो अब रही बात ये 50 दिन नहीं है, अब सिर्फ 1 लास्ट मंथ, मेहनत कर लो,
जॉब ले लो 25 से 30 हजार, अगर बैंकिंग एसोसिएट लेंगे 30 से 40-45 के करीब, पीओ लेंगे, लाइफ सेट है, एक जॉब रहेगी, महीने का इतनी इनकम आती रहेगी, सब सही चलेगा। बस एक इस मंथ अपने एफर्ट डबल कर दो। मैं अगर अपनी तरफ से इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, जॉब के साथ टाइम निकाल रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप तो अभी अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप इससे ज्यादा एफर्ट डाल ही सकते हैं। प्रैक्टिस करें जितनी खुद कर सकते हैं, जितने ज्यादा सोर्सेज आपको मिल सकते हैं आप वहां से प्रैक्टिस करें, किसी भी चैनल से आप कर लें। मैं यहाँ पे अपना चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं आया हुआ। मैंने देखा है कि मेरे ये स्टार्ट करने के बाद 4-5 और चैनल ऐसे आ चुके हैं जहां पे 20-30 डेज प्लान चल रहे हैं। मेरे को काफी अच्छा लगता है, ठीक है आप करें, लेकिन मेरे लिए चैनल का मकसद ये कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप नहीं भी करो तब भी चलेगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट है आप लोगों के पास लास्ट में सिलेक्शन हो, आपकी जॉब मिले, बस इससे ज्यादा नहीं है। करते चलो। जो लोग मॉक टेस्ट को अगेंस्ट बोलते हैं उन्हें मैं एक चीज बता देता हूं कि अगर आप लोगों को इतना ज्यादा पता होता तो इनडायरेक्टली आप लोग भी वीडियो तो देख ही रहे हो, जरूरत आपको भी है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन ले, मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनली बता रहा हूं मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस सब में क्या होगा आपके लिए, मॉक टेस्ट। क्योंकि यही एग्जाम अगर आप सीधा 21 सबको देते, अगर आज ये मैं अपना फेस टू स्टार्ट नहीं करता तो आप सबको पता है, दिख रहा है जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि सेक्शन स्टार्ट कहां से करनी है और खत्म कहां से। सेकंड मॉक टेस्ट में मैंने खुद लोगों के कमेंट पढ़े हैं, ग्रुप पे पढ़े हुए हैं हमारे फेसबुक पे, आप देख लेना SSS, वहां पे लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि सर इम्प्रूवमेंट दिखी है। इस टाइम पे सेकंड मॉक टेस्ट, सिर्फ सेकंड मॉक टेस्ट में उन्हें समझ आया कि करना किस तरह से है, और ये हमने 10 देने हैं। मैंने काफी रिक्वेस्ट करके ओनली बोर्ड, अगर आपको लगता है कि इनको भी कुछ है आप गूगल पे सर्च कर ले इस वीडियो के बाद ही, बेस्ट मॉक टेस्ट साइट फॉर बैंकिंग एग्जाम, आपको खुद पहला जो लिंक दिखेगा वो इनका है। मैंने काफी रिक्वेस्ट करके सिर्फ J&K के लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ये इनके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इन्हें कहा था, तभी मैं इनको इनके लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनके मॉक टेस्ट का एक लेवल और स्टैंडर्ड होता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की तो इन्होंने ऑलिव बोर्ड ने बनाई, और उससे इन्होंने इम्प्रेस होके 15% डिस्काउंट भी दिया J&K के एस्पिरेंट्स को। कई लोग इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं, आप लेते रहे, मैं आपको भी सिलेक्शन चाहता हूं कि दिल से कि आपकी भी सिलेक्शन हो जाए, जो नहीं ले रहे या जिनको है, इतना एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा मोटिव है उस पर कोई एंड में आके कुछ बोले या कुछ कहे। आप 15% डिस्काउंट इस पर ले लेना, SSS यूज करके कोड, जिनको जिन्होंने ले लिया वो चलते रहे। नेक्स्ट टेस्ट हम देंगे अपना सैटरडे को, सेम टाइमिंग 8 बजे, संडे तक चलेगा ये, और उसके बाद एनालिसिस होगा, लेकिन एनालिसिस अब होगा हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। जिस दिन इसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा उस दिन मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने नहीं किया हो वो एटलीस्ट अभी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर ले, व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बना रहा मैं, टेलीग्राम पे ही रहेगा जिसपे नंबर वगैरह शेयर नहीं होंगे किसी के भी, तो जिससे सब कंफर्टेबल रहे वो। बाकी इतना ही रखते हैं, एग्जाम हमारा 22 अप्रैल को ही होगा, इसको दिमाग में रख लें, पोस्टपोन के चक्रों में मत पड़े। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो ये मैंने आपको अभी 4 हफ्तों का कहा है इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से, जैसे पहले हमने 40 दिन का किया था उस तरह से, जो ये बीच में थोड़ा गैप आ गया था ये जिस तरह से चल रहा था, अब इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। मॉक टेस्ट आप सबने 2-2 दे दिए हुए हैं, आप सबको पता है कि किस तरह से देने हैं, अब किस तरह से देके किस तरह से इम्प्रूव करना है मैं अब आपको सिर्फ वो बताऊंगा। तभी मैंने पहले 2 मॉक आपको कहा था कि देने हैं, जिस जैसे मन करता दे दो, जब मन करता दे दो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप इम्प्रूव कर सकते थे, वो सब मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। वीडियोज में अब सिर्फ लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि मेरे को सबके साथ मॉक टेस्ट का भी शेयर नहीं करना, मेरे को सिर्फ सीरीज के साथ करना है, क्योंकि जो लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे वो लेक्चर से जिस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो वहां से करते रहे, उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, और जो मॉक टेस्ट से करे उन्हें भी डिस्टर्बेंस ना हो।
तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के रूल्स पे, और सैटरडे को हमारा टेस्ट। तो ऑल द बेस्ट गाइस। एक लास्ट चीज बता दूं, टेस्ट जो हमने देना है वो पीओ वाला देना है, ना कि बैंकिंग एसोसिएट का, जेके बैंक पीओ सेकंड। जो लोग अभी जुड़ेंगे या जिन लोगों ने अभी टेस्ट लेने हैं, उन्हें भी एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी के लिए आप ये कंटिन्यू करें हमारे साथ, जेके बैंक पीओ सेकंड ही दे, जो पहला और दूसरे टेस्ट है वो आप बाद में दे दें जब हम लोग अपने फोर्थ वीक में होंगे, मैं बता दूंगा किस टाइम पे। तो गाइस ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।